आज हमारा डे फोर का कंडीशनिंग सेशन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बारिश होती है तो रनिंग वगैरह नहीं हो पाती है, तो कैसे आप घर में रह के भी आप बहुत 5-7 मीटर के डिस्टेंस के अंदर भी कैसे अपनी कंडीशनिंग को बना के रह सकते हैं, आज उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि अगर बाहर रेन है, बारिश हो रही है, कोई भी ऐसी एक्स वाई जेड रीज़न है कि आप नहीं जा पा रहे ग्राउंड में, ग्राउंड गीला है, जो भी है, तो इंडोर में रह के आप कैसे कंडीशनिंग कर सकते हैं, आज वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे। उससे पहले वार्म अप करना बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है। अब वार्म अप की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, किस तरीके से आपको वार्म अप करना है, उसको वार्म अप करने के बाद में इंडल्स के ऊपर आना है। सबसे पहले वॉल ड्रिल करनी है। पिछले बार जो हमने सेशन करा था वॉल ड्रिल के लिए हम पॉज के साथ कर रहे थे, आज हमें पॉज नहीं करना। 30 सेकेंड हमें नॉन स्टॉप अप एंड डाउन जाना है। अगेन हाई लेवल पे आपके हाथ आएंगे एंड लीन फॉरवर्ड करके आप मूव करेंगे इस तरीके से। 30 सेकेंड करना है। 30 सेकेंड करने के बाद में आप करेंगे जंपिंग जैक्स। अगेन 30 सेकेंड ये कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ में आप करेंगे ब्रॉड जंप एंड बैक पैडल, जितना दूर हो सके उतना आपको जंप करना है एंड वहां से बैक पैडल, जंप एंड बैक पैडल, जंप एंड बैक पैडल। ऐसे आप 30 सेकेंड को नॉन स्टॉप करेंगे। एंड जो हमारी चौथी एक्सरसाइज होगी स्किपिंग रोप, अगर स्किपिंग रोप नहीं है तो आप नॉर्मल जंपिंग कर सकते, हाई नहीं कर सकते, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते, साथ में इसको 30 सेकेंड फॉलो करेंगे। तो ये 30 सेकेंड के आपको चार सेट करने हैं नॉन स्टॉप, 2 मिनट वर्क, 1 मिनट का आपका रहेगा रेस्ट पीरियड। चलते हैं अगले सर्किट की तरफ। टू में अगेन हम 4 एक्सरसाइजेस करेंगे, 30 सेकेंड के लिए हम फॉलो करेंगे। पहले एक्सरसाइज हम करेंगे शटल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उसके साथ में हम करेंगे ए स्किप, आई नी, एंड हमारी चौथी एक्सरसाइज होगी माउंटेन क्लाइंबर। अगेन 30 सेकेंड के लिए हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है एंड उसके तुरंत बाद अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब कैसे करनी है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, हमें आना है यहाँ से, हमें 5 मीटर बैक पेडल करना है, जाना है, रुकना है, एक्सेलरेट करके होल्ड करना है, जाएंगे होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड। यहाँ पे आपको एकदम से रुकना है, मतलब जैसे हम डिसलेक्टेट करते हैं उसको हमें एकदम आगे पोज करना है एंड वापस जाना है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी। इसके साथ में हम करेंगे स्किप। स्किप करने के लिए सिंपल आपको 40 ग्राउंड कॉन्टैक्ट करने हैं, यानी एक पैर पे 20 बार आर्म और पैर दोनों को मूव करना है। इसके साथ में थर्ड एक्सरसाइज हमारी होगी हाई नी। हाई नी के लिए बहुत पीछे बॉडी वेट नहीं, कोर स्ट्रॉन्ग, बॉडी स्ट्रेट एंड हाई नी। इसके भी आपको 40 रेपिटेशन करने हैं। इसके बाद में चौथी एक्सरसाइज होगी हमारी, हम आएंगे ग्राउंड पोजिशन, पुशअप पोजिशन एंड यहाँ से माउंटेन क्लाइंब। ये आपको बहुत ऊपर नहीं उठाने, मेंटेन करने इस पोजीशन को एंड यहाँ से इस तरीके से मूव कर। तो ये हमारा सर्किट 2 रहेगा। इसके अंदर आपको सारी एक्सरसाइज 30 सेकंड के लिए करनी है एंड इसके आप टोटल 4 सेट करेंगे। चलते हैं अगले सर्किट की तरफ। सर्किट है वो हमारे 3 एक्सरसाइज का। पहला जंप रोप करेंगे हम 1 मिनट के लिए, उसके साथ में हम करेंगे साइड शफल एंड उसके साथ में हम करेंगे सिंगल लेग हॉप। तीनों एक्सरसाइज कैसे करनी है वो बताते हैं। अगेन आपको स्किपिंग कैसे करनी है तो मैंने बताई थी ऑलरेडी। स्किपिंग नहीं है तो आप नॉर्मल जंपिंग भी कर सकते हैं बिना स्किपिंग के, उसको आप करेंगे 30 सेकंड के लिए। उसके बाद में साइड शफल में क्या करना है, आप आएंगे स्क्वाट पोजीशन में आना है, लो रहना है, पैरों को लोड करके रखेंगे लो पोजीशन, यहाँ से साइडवेज मूव करेंगे इस तरीके से, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे, होल्ड वापस इस तरीके से, ये आपको करना है। इसके बाद में तीसरी एक्सरसाइज करनी है सिंगल लेग जंप्स या सिंगल लेग हॉप्स, कुछ भी कह सकते हैं। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा घुटना बैंड ना हो या बहुत हिप बैंड ना हो, इन दोनों को स्ट्रेट रखना है जितना कोशिश करें। बहुत बढ़िया आपकी स्टिफनेस के लिए बॉलिंग में, रनिंग में, हर जगह काम आती है। इस तरीके से आपको दोनों साइड करना है 30 सेकेंड। अगेन ये सर्किट आपका 2 मिनट का चलेगा एंड 1 मिनट का आपका रेस्ट होगा। आप चाहे तो अगर आपको लग रहा है कि 2 मिनट कम है तो आपका जो ड्यूरेशन है इसका बढ़ा सकते हो। जैसे मैं अभी 30 की बोला तो आप 1-1 मिनट की जा सकते हैं, 4 मिनट तक जा सकते हो। तो ये अपने ऊपर से अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारी होगी तीसरी सर्किट। इसके बाद हम करेंगे अपना कूल डाउन एंड कूल डाउन अगेन फ्लेक्सिबिलिटी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको प्रॉपर फॉलो करना है एंड उस तरीके से आप उसको फॉलो करें। और आज का ये हमारा हुआ कंडीशनिंग सेशन। इसके बाद हम शाम को करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोर का सेशन, तो मिलते हैं उस सेशन में। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और कैसे वर्कआउट हुआ।